इसी समय में बोले कि भाई इसमें दोनों का योगदान है ना। हम लोग इतने सवाल पूछते थे और जिसमें आप सब बहुत सारे वीडियो ऑडियो देखते ही हैं, राकेश भाई के, श्रीराम भाई के, है ना, तो जितने या है ना जो लोग भले ही उनके वीडियो नहीं है, जो बाबा से इंटरेक्ट करते रहे, तो बाबा का ये कहना था कि बहुत सारी चीज़ें इस परस्परता में उदय हो रही हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें उस परस्परता में व्यक्त होती हैं। तो ये भी हम लोगों की एक परस्परता है, जिसमें बहुत सारा ध्यान जब मैं बोलता हूँ या और भी हम लोग आपस में जब बातचीत करते हैं, है ना, हम लोग प्रबोधक तो नहीं है, ये बात अपन पहले भी बता चुके हैं और बहुत स्पष्ट ही है कि हम सब एक ही क्रम में हैं, हम सब समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें व्यक्त होते समय, अभिव्यक्त होते समय हमारे पास सूचना किसी क्रम में पहले आई है, कुछ हमने अपने तर्क भी लगाए हैं, कुछ अपने समय का इसमें नियोजन किया है, उसकी वजह से कुछ तर्क हमारे स्पष्ट हुए हैं और इस माध्यम से हम वही तर्क, है ना, आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें भी प्रधान रूप से यदि मैं देखूं तो इस सारे का मेजर प्रयास ये है कि इन किताबों को आप स्वयं अध्ययन कर सकें, पठन कर सकें, और ऐसा करने से अपने ही जीवन में जो चित्रण है, जो वृत्ति की है ना तुलन और विश्लेषण क्रिया है, मन में जो आस्वादन है और जो चित्र में सच्चाइयाँ आपके चित्रण में है ना, चित्त में सच्चाइयों का एक ढांचा ढांचा बनना शुरू हो, है ना, जिससे कि आप ही इन चीज़ों को जांच पाएं, ये इस पूरे पर्पज, इस पूरे प्रयास का ये मेन उद्देश्य है। तो आज हम बहुत ही अच्छा चैप्टर एक स्थिति गति के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमारे प्रदीप भाई ने बहुत ही अच्छा है ना ऊष्मा और धरती के संतुलन को लेके बहुत सारी चीज़ें जहाँ की अभी हम सब लोग जूझ रहे हैं, है ना, मानव जाति स्पेशली, है ना, ऋतु संतुलन जो बिगड़ रहा है, और बहुत ही अच्छे से इस बात को बाबा ने तर्कों के साथ रखा कि मानव के सौभाग्य के लिए या मानव की समृद्धि के लिए जो कुछ भी धरती की सतह पर ही सबसे अधिक वैभव संपन्नता है, और धरती के अंदर की जितनी चीज़ें हैं वो धरती के अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हैं, ना कि हम उसका पेट फाड़कर, जो उन्होंने एक संवेदनशील भाषा का उपयोग किया। मुझे एक याद आ रहा, मैं उनसे एक बार ये सवाल पूछा कि बाबा हम लोग जो नॉर्मल कोयला जलाते हैं, है ना, या अभी लकड़ी जला रहे हैं, आप इसको तो मना नहीं कर रहे हैं, है ना, लेकिन आप कह रहे हैं कि ज़मीन के अंदर का कोयला जलाएंगे तो इसमें दिक्कत है। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस ये हमें, मुझे मैंने स्पष्ट नहीं होता था कि यार कोयला तो कोयला है ना, हम कोयला अभी का पेड़ जला रहे हैं काट के या पुराना, तो इसमें दिक्कत क्या है। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं है, उस समय का जो पेड़ जो ज़मीन के अंदर दब गए हैं, जो कोयला में कन्वर्ट हुए हैं या पेट्रोल में जो कन्वर्ट हुए हैं, उस समय के इन्वायरमेंट में जो कार्बन मोनोऑक्साइड थी उसको पचा करके वो अंदर गए हैं, इसीलिए ज़मीन से निकले हुए कोयले को जलाने से जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है उसको फिर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, होना होता है, ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है और आदमी के लिए भी घातक है। तो इस तरह के गैसेज को पचा करके वो कोयला बना है, इसीलिए जब उसको जलाते हैं तो अलग टाइप की गैसेज निकलती हैं, जिसके लिए इस वातावरण में डायरेक्टली पचने की व्यवस्था नहीं है, जबकि यही जो हम आज के पेड़ को जलाते हैं तो उसमें से CO2 निकलती है। तो ये छोटी छोटी ध्यानाकर्षण की बातें हैं, है ना। तो दूसरा जो बहुत अच्छा उन्होंने जो बताया तर्क कि कितने बड़े बड़े पेड़ होते थे, है ना, अब मानव आज के समय तो हम उस समय वहाँ पर नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से सिंपल उदाहरण से कि कितनी मोटी परत, माने जो होमोजीनियस लेयर ऑफ कोल हमें मिल रही है, और 10 meters to 1 meter का रेशो है कि यदि 10 मीटर लंबा पेड़ है तब वो 1 meter की परत बनती है, और यदि 100 मीटर की 80 मीटर की परत दिख रही है, इससे पता लगता है कि लगभग लगभग है ना 1 kilometer लंबे पेड़ हुआ होते होंगे। तो बहुत सारी छोटे छोटे तर्कों के माध्यम से बहुत ही सुंदर ढंग से बात को रखा है। अभी आज हम जो बात करेंगे वो स्थिति गति की करेंगे। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इस अर्थ में इम्पोर्टेंट मुद्दा है क्योंकि
हम कई बार विज्ञान में, यदि मैं खास तौर से देखूं, तो हम गति से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और हम स्थिति को नजरअंदाज कर दे रहे हैं कई बार, है ना। तो जैसे परमा जैसे हम कह रहे हैं, इसको दूसरे ढंग से देखूं तो मैटर एनर्जी भी देख सकते हैं। बाबा ये कह रहे हैं कि मैटर और एनर्जी साथ साथ है, माने बिना एनर्जी के, एनर्जी गति में है ना, लेकिन मैटर उसकी स्थिति में है। हम कई बार क्या करते हैं, या तो हम यही मान लेते हैं कि सारा कुछ मैटर है ही नहीं, सब कुछ एनर्जी ही है ना, या फिर हम कहते हैं सब कुछ मैटर ही है। तो ऐसा नहीं कहा जा रहा है, स्थिति और गति की अविभाज्यता है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। मानव जागृति पूर्वक, आवाज को बढ़ाने का कोशिश करूंगा, मानव जागृति पूर्वक स्थिति गति में प्रमाणित होना चाहता है। तो हम सब मानव क्या चाहते हैं, स्थिति में भी प्रमाणित होना चाहते हैं और गति में भी। क्या मतलब हुआ कि जब मैं अपने साथ हूं, है ना, तब भी मैं अपने में तृप्ति का महसूस करता हूं, और जब मैं दूसरों के साथ व्यवहार करता हूं, कार्य और व्यवहार करता हूं, व्यवसाय करता हूं, विचार करता हूं, है ना, विचारों का आदान प्रदान करता हूं, तब भी मैं उतने ही सुख को पाता हूं। तो मानव जागृति पूर्वक स्थिति गति में प्रमाणित होना चाहता है। ऐसे प्रमाण स्वयं के भी और संपूर्ण के भी संबंध में आश्रित हैं। अब यह प्रमाण सिर्फ मुझे अपने में ही चाहिए ऐसा नहीं है, संपूर्ण में भी चाहिए, है ना। जैसे मेरे माता पिता के साथ भी ऐसा हो सके कि वो भी स्थिति गति में प्रमाणित हो सकें, समाज भी स्थिति गति में प्रमाणित हो सके। तो ये मेरी ही चाहत है कि मैं अपने स्वयं में भी इसको देखना चाहता हूँ और सबके साथ देखना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सहस्तित्व में एक दूसरे के साथ हम कनेक्टेड ही बने रहते हैं, है ना। तो ये कॉमन आशा है, आशय है, हमें हमारी अपेक्षा है। तो सर्वप्रथम इस सिद्धांत को हृदयंगम करना होगा कि स्थिति गति अभिभाज्य है। तो पहले चीज, ये पहला सिद्धांत, इस बात को ये हमें स्वीकारना होगा कि स्थिति गति अभिभाज्य है, मतलब ये साथ साथ होती रहती है। स्थिति को कह रहे हैं होना और गति को कह रहे हैं गतित रहना, है ना, होना और रहना। तो होना और गतित रहना इसका मूल प्रमाण है। एक परमाणु भी होने के आधार पर गतित रहता है ना। तो ये बहुत ही सिंपल बात है, बट बहुत ही उपयोगी है ना। जैसे मैं कह रहा हूं कि जो मास एनर्जी के जो उसमें हम कंफ्यूज हैं, बाबा कह रहे हैं दोनों ही बने रहते हैं, है ना। जैसे मोटा उदाहरण ले रहे हैं पहले स्थूल में, ग्रह गोल भी होने के आधार पर गतित रहता है। तो धरती को यदि देखें, चांद को यदि देखें, तो वो उसकी स्थिति भी एक बनी हुई है और साथ में वो गति भी कह रहा है, करता है। तो होना भी बना रहता है और गति भी बनी रहती है। संपूर्ण पदार्थ संसार होने के आधार पर ही रचना विरचना रूपी गति को बनाए रखता है। तो अब पूरे पदार्थ जगत को यदि देखें, तो उसकी स्थितियां भी बनी रहती हैं और उसमें रचना विरचना रूपी गति भी बनी रहती है। सारे वनस्पति को देखें, तो बाबा क्या कर रहे हैं, पदार्थ की बात कर रहे हैं, प्राण अवस्था की जो चारों अवस्थाएं हैं उनके अलग अलग उदाहरण से इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि संपूर्ण पदार्थ संसार होने के आधार पर ही रचना विरचना रूपी गति को बनाए रखता है। सारे वनस्पति भी होने के आधार पर ही पुष्टि के रूप में गतित रहते हैं। तो एक वृक्ष बना भी रहता है और पुष्ट भी होता रहता है। हमारा और आपका शरीर बना भी रहता है, पुष्ट भी होता रहता है। संपूर्ण जीव संसार भी होने के आधार पर ही गतित रहे। तो होना उसकी स्थिति है और उसकी एक गति है। मानव जागृति होने के आधार पर ही गति को प्रमाणित करता है। अब यहां पर मानव की यदि बात करें, तो यदि स्थिति में जागृति है तो ही उसकी गति मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में है। तो अभी हमारी स्थिति, इससे एक और सिद्धांत समझ में आता है कि कई बार हम लोग जो केवल गति पर काम करना चाहते हैं, अर्थात हम यदि केवल मानवीयतापूर्ण आचरण को व्यक्त करना चाहते हैं, है ना, लेकिन यदि उसकी स्थिति नहीं बनी है, माने जागृति नहीं बनी है, तो ये हो नहीं, इसकी निरंतरता नहीं हो पाती। इसकी कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए ये हो पाता है, तो वो निरंतरता टूट जाती है ना। अध्ययन क्रम में हम अभ्यास करेंगे ठीक है, लेकिन फाइनली कहाँ पहुंचना होगा,
तो मानव जागृत होने के आधार पर ही गति को प्रमाणित करता है। तो हम सब का जो उद्देश्य है स्थिति को मजबूत करने की बात है, स्थिति में परमार्जन करने की बात है, पहले परिवर्तन करने की बात है। तो अमानवीय स्थिति से मानवीय, तो स्थिति का मतलब है यदि हमारा चित्त में साक्षात्कार नहीं हो रहा है, यदि स्थिति नहीं बन पाती है, बुद्धि में अवधारणा नहीं बन पाती है, तो मानवीयता पूर्ण आचरण की गति हो पाना ऐसा हमें मानना है ना, या इसके लिए एक जबरदस्ती एक प्रयास सोचना कि ऐसा हो जाएगा, ये संभव नहीं होगा, क्योंकि स्थिति गति अविभाज्यता के रूप में बनी रहती है। इस प्रकार सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व में नित्य प्रतिष्ठा प्राप्त संपूर्ण वस्तु स्थिति गति के रूप में वर्तमान है, ना, या वर्तमान का मतलब है बरतती ही रहती है, या उसमें एक क्रिया घटती ही रहती है स्थिति और गति के। इस विधि से संपूर्ण स्थिति गति अविभाज्य है। इसको अलग अलग हम विश्लेषण के लिए अलग अलग बात कर सकते हैं, लेकिन जो घटना घटित होती है, जो आचरण घटित होता है, जो उसका प्रभाव दिखाई देता है, वो तो अविभाज्य रहता है। जैसी स्थिति वैसी गति बनी ही, उसकी अविभाज्यता बनी रहती है। किसी को फिर जीवन के रूप में जब बात कर रहे हैं तो बता रहे हैं जैसे स्थिति में बल तो गति में शक्ति, अथवा स्थिति को बल गति को शक्ति के रूप में देखा जाता है, और बल और शक्ति अविभाज्य है ही। अर्थात आस्वादन रहता है मन में, सुख पाने का आस्वादन है, इसी के लिए चयन है ना। वृत्ति में तुलन है, तुलन की अपेक्षा में ही सारा विश्लेषण है। चित्त में या तो साक्षात्कार या चिंतन है, या उसकी अपेक्षा में हमारा सारा चित्रण होता रहता है। तो इस क्रिया को अपन अच्छे से देख सकते हैं कि जब मन में रुचि मूलक आस्वादन है तो तदनुसार रुचियों को जो अच्छा लगता है वैसा ही चयन होता रहता है। जब वृत्ति में प्रिय हित लाभ की के रूप में तुलन की स्थिति रहती है तो गति में ऐसे ही विश्लेषण होते रहते हैं कि कैसे और प्रिय चीजों को इकट्ठा कर लूं, कैसे और लाभ को पालूं, ऐसा ही विश्लेषण होता है। उसी के अनुसार यदि चित्त में जो स्थिति क्रिया जिसको कह रहे हैं कि अभी हमारी जागृत नहीं है, अर्थात चिंतन से सपोर्टेड नहीं है, तो ये जो शरीर के दबाव में जो रुचिमूलक चयन आस्वादन विश्लेषण तुलन विश्लेषण और जो चित्रण बन रहे हैं है ना, ये जो प्रिय हित लाभ के आधार पर ही गति करते रहते हैं और उससे तृप्ति नहीं होती है, इसीलिए फिर स्थिति को अध्ययन पूर्वक जब कोई भी व्यक्ति ये स्वीकारता है कि यार कहीं ना कहीं मेरी स्थिति में ही गड़बड़ है ना, मुझे ही अपने में कुछ और सुधार की जरूरत है, मेरे विचार ही ठीक नहीं है, मेरी इच्छाएं ही ठीक नहीं है, इस निष्कर्ष पे आने से जब वो अपने में जिसको है ना अपन कहते हैं कि स्वकृपा होने की जरूरत है ना, ईश्वरीय कृपा काम ऊर्जा के रूप को समान रूप से प्राप्ति है। जब मैं अपने स्वकृपा का क्या मतलब है, अपने ही अक्षमता को, अपने ही कमी को जब मैं उसको के साथ कभी कभी देख पाता हूँ, आर पार हो जाता हूँ, इसको पहचानता हूँ कि नहीं यार कहीं तो मेरे में भी ठीक नहीं है, शायद सब कुछ मेरे संबंधियों की ही गड़बड़ी नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे भी अपने में कुछ सुधार की आवश्यकता है, वहाँ से फिर हम प्रयोजनों को देखने का या अपने से श्रेष्ठ लोगों को सुनने का एक मन बनता है, और उसी से कह रहे हैं अध्ययन की शुरुआत हो रही। इस स्थिति गति की अविभाज्यता को मानव में होने वाली जीवन क्रियाओं में भी देखा जाता है ना? जैसे मानव में अनुभव के रूप में स्थिति, प्रमाण के रूप में गति दिखाई देती है। तो यदि जागृत मानव का वर्णन कर रहे हैं कि मानव में अनुभव के रूप में यदि स्थिति है, माने जिसने जो अनुभव संपन्न हो गया है, प्रमाण के रूप में उसमें गति दिखाई, तो प्रमाण के साथ सारी बात कर पाते हैं, अपने कार्य व्यवहार आचरण विचार तो प्रमाण के रूप में गतित होते हैं। अब बुद्धि की यदि बात करें तो यथार्थता वास्तविकता सत्यता का बोध सहित बुद्धि ही स्थिति एवं उसे प्रकाशित करने की प्रवृत्ति के रूप में संकल्प ही गति है। तो यदि इसको देखेंगे कि यथार्थता वास्तविकता सत्यता का जो बोध हो गया है बुद्धि में, ऐसी बुद्धि जिस जो अपने
आत्मा, अनुभव संपन्न आत्मा के प्रभाव में है ना, ये जो बुद्धि में जो बोध है, जो उसमें क्या हो गया, फिर यथार्थता, वास्तविकता और सत्यता का बोध सहित जो बुद्धि है, इस स्थिति में उसे प्रकाशित करने की प्रवृत्ति कैसी दिखती है, संकल्प के रूप में। तो बुद्धि यदि अपन और अच्छे से देखें तो बुद्धि की क्रिया संकल्प के रूप में दिखाई देती है, और इसको हम लोग पहले भी चर्चा करते हैं कि जैसे जब हम, जब तक बुद्धि में यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता का बोध नहीं है, उसके पहले हमारे संकल्प सफल नहीं हो पाते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन करते हैं, या अपनी ही पत्नी से या बच्चे से किसी बात पे झगड़ा हो जाता है और हम कसम खा लेते हैं, है ना, अब मैं शपथ लेता हूँ, है ना, अब तुमसे लड़ाई नहीं करूँगा और अब गुस्सा नहीं होऊंगा कल से, लेकिन फिर हम पाते हैं हम इसको सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गति को सस्टेन करने के लिए स्थिति चाहिए ना। तो संकल्प को सस्टेन करने के लिए हमारी बोध सहित बुद्धि चाहिए, इससे कम में हम संकल्पित नहीं होते हैं, अर्थात संकल्प का प्रयास करते हैं और वो सफल नहीं हो पाता है। तो संकल्प रूपी गति के लिए बोध रूपी बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि नियम का, सच्चाइयों का, जिसको यथार्थता, वास्तविक सत्यता का बोध होने के बाद ही मानव सही अर्थों में संकल्पित हो पाता है, है ना। जैसे कि रंजना तिवारी पूछ रही है कि लक्ष्य मूलक जीने को, तो इस स्थिति में ही लक्ष्य की स्थिरता होती है ना, लक्ष्य के लिए संकल्पित हो पाता है, क्योंकि अनुभव में ही लक्ष्य स्पष्ट होता है कि मानव रूपी जो मानवीयता के साथ जीने का जो पहला लक्ष्य है, मैं स्वयं मानवीयता पूर्ण स्थिति में जी पाऊं, समाधान समृद्धि के साथ जी पाऊं, दूसरों को भी ऐसा जीने में सहयोगी हो पाऊं, इस लक्ष्य का की स्थिरता, क्योंकि ये यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता बुद्धि में बोध होने के बाद इस लक्ष्य रूपी संकल्प के साथ हमारी बुद्धि की गति दिखाई देती है। बोध ही अनुभव और प्रमाण का अभिव्यक्ति है। तो अब क्या हुआ, बुद्धि आत्मा जो है वो डायरेक्ट क्रिया, सारा एक क्रमबद्ध प्रोसेस है ना। ऐसा नहीं होता कि आत्मा कमांड देगी शरीर को कि अब ऐसा करो, है ना। तो एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म है, आत्मा से बुद्धि, बुद्धि से चित्त तक प्रोसेस होगा, चित्त से वृत्ति तक, वृत्ति से मन, मन फिर मेधस को कंट्रोल करता है, और शरीर के माध्यम से, संवेदनाओं के माध्यम से ज्ञान, है ना, जो आत्मा में जो ज्ञान हुआ, बुद्धि में जिसका बोध हुआ, चित्त में जिसका चिंतन हुआ, वृत्ति में जिसका न्याय धर्म सत्य के रूप में विश्लेषण हुआ, मन में मूल्यों का आस्वादन पूर्वक हम जो चयन करते हैं, वो शरीर के माध्यम से हमारे शब्दों का चयन, हमारे भाव का चयन, हमारी भंगमा का चयन, हमारे अंगहार का चयन, है ना, हमारी वस्तुओं का चयन, हमारा पोषण के रूप में, दूसरों के मन के पोषण के रूप में, शरीर के पोषण के रूप में वस्तुओं का चयन, ये सारे चयन मन के द्वारा फिर शरीर के माध्यम से व्यक्त होता है। तो इस तरह से क्या कह रहे हैं कि बोध ही अनुभव और प्रमाण का अभिव्यक्ति। तो आत्मा में अनुभव हुआ और उसकी गति के रूप में जो प्रमाण की क्रिया हुई, उसको बोध ही अनुभव और प्रमाण की अभिव्यक्ति है। उसका जो, उसकी जो सफलता क्या हो रही है, बुद्धि में बोध हुआ, अनुभव प्रमाण अर्थात जीता हुआ साक्ष्य, बोध स्वीकृति, अभिव्यक्ति सूचना, ऐसा सूचना दूसरों के अनुभव के लिए प्रयोजन है। अब ये समझ में आता है कि ऐसी सूचना दूसरे भी बोध संपन्न हो जाएं, ये प्रयोजन के रूप में बनता है, है ना। तो न्याय धर्म सत्य के साक्षात्कार चिंतन करने के रूप में चित्त में स्थिति, अब चित्त में क्या स्थिति बन रही है कि चिंतन हो रहा है, क्या चिंतन हो रहा है, न्याय धर्म सत्य का चिंतन हो रहा है। तो बुद्धि में यथार्थता, सत्यता, वास्तविकता का बोध हुआ, और इसके आधार पर चित्त में जो चिंतन क्रिया स्थिति है, उसमें न्याय धर्म सत्य के चिंतन के रूप में चित्त में स्थिति हुई, इस चित्त में चित्रण होगा, है ना, योजनाएं बनेगी कि कैसे इसको सफल किया जाए। तो चित्त क्रियाकलाप का संपूर्ण चित्रण, है ना, कहां जाएगा, तुलन के रूप में, अर्थात न्याय, अगले पेज पर चलते हैं,
अर्थात न्याय धर्म और सत्य रूप में स्पष्ट होना वृत्ति सहज स्थिति है। तो अब क्या हुआ, चित्त में जो चिंतन हुआ है ना, उसके जो चित्रण पूर्वक वृत्ति में स्थिति क्या बनी, न्याय धर्म सत्य की तुलन करने की स्थिति बनी, जिससे वृत्ति में संपन्न हुए तुलन का विश्लेषण विधि में विश्लेषित होना व संप्रेषित होना वृत्ति सहज विचार गति है। तो अब क्या हुआ, ऐसे तुलन को विश्लेषण किया, एनालिसिस किया है ना, और संप्रेषित होने के लिए विचार वृत्ति में आया। विश्लेषण के स्पष्ट अथवा सार रूप में मूल स्वीकृत होता है। तो अब कहाँ स्वीकृत हो रहा है, इसके सार रूप में मूल्यों की स्वीकृति हुई है ना, जिसको अपन विश्वास की, स्नेह की, सम्मान की है ना, स्थापित मूल्य कह रहे हैं, उनकी स्वीकृति हुई। इसे आस्वादन करना ही मन की स्थिति है। अब मन इसका आस्वादन करता है, ये मन की स्थिति बनी, मूल्यों का आस्वादन। अभी किसका आस्वादन कर रहा था, रुचियों का आस्वादन है ना। तो इसे आस्वादन करना ही मन की स्थिति है। इसकी सार्थकता के लिए चयन क्रिया को संपादित करने के रूप में गतित होना हर मानव में सर्वेक्षित है। तो ऐसे जितने भी मानव हैं, अर्थात जो जागृत संपन्न मानव हैं, वो इसकी सार्थकता के लिए, किसकी सार्थकता के लिए, कि जो मूल्यों का आस्वादन हुआ उसकी सार्थकता के लिए चयन क्रिया को संपादित करने के रूप में गतित होना पाया जाता है। अब मन में चयन हुआ इसके लिए। इस ढंग से मानव भी सभी प्रकार के स्थिति गति में होना स्पष्ट होता है। इस प्रकार मानव समझदारी से संपन्न होने के उपरांत प्रमाणित होना स्वाभाविक होता है। तो अब क्या हो गया, ये पूरा लिंक हो गया, समझदारी से संपन्न अर्थात अनुभव संपन्न होने के बाद किस तरह से उसमें ये सारी क्रियाएं का होना ये स्वाभाविक है, ये स्वभाव गति की स्थिति है, इसमें कोई दबाव नहीं होता है ना। इसका मतलब यही हुआ, हम जब तक प्रमाणित नहीं होते तब तक प्रमाणित होने के लिए ज्ञान अर्जन, विवेक अर्जन, विज्ञान अर्जन कर लेना ही शिक्षा और शिक्षण का तात्पर्य है। तो भाई जब तक नहीं हो पा रहे प्रमाणित है ना, मूल्यों का आस्वादन नहीं हो रहा, परस्परता में पूरकता को प्रमाणित नहीं कर पा रहे, तब तक क्या किया जाए, तो तब तक के लिए हमें क्या करना होगा, तब तक प्रमाणित होने के लिए प्रयास करना। कैसे प्रयास करेंगे, क्या करेंगे उसके लिए, तो तब तक ज्ञान अर्जन, विवेक अर्जन, विज्ञान अर्जन कर लेना ही शिक्षा और शिक्षण का तात्पर्य है। तो आप कह रहे हैं कि फाइनली यदि देखेंगे तो सारी शिक्षा ना, क्योंकि हर बच्चा 18-20 साल तक है ना अध्ययन कर ही रहा है, तो शिक्षा का क्या मतलब होना चाहिए, ऐसा प्रमाणित होने योग्य ज्ञान अर्जन हो जाए है ना, विवेक अर्जन हो जाए, विज्ञान अर्जन हो जाए है ना। क्योंकि शिक्षा और शिक्षण, तो जो शिक्षण को कह रहे हैं, जिसको हम व्यवसाय करने के लिए जितना कार्यक्रम है उसको कह रहे हैं शिक्षण, और व्यवहार करने के लिए जितना कार्यक्रम है उसको कह रहे हैं शिक्षा है ना। तो शिक्षण और शिक्षण, शिक्षा और शिक्षण, ये दोनों ही मानो एक उम्र तक इसमें पारंगत हो जाए है ना। अतएव इसके लिए सह अस्तित्ववादी शिक्षा क्रम समीचीन है। जस्ट जहां पर समीचीन शब्द आता है, इसका माने बहुत निकट है, ये रखा ही हुआ है, इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अर्थात अतएव समझदार मानव होने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। वस्तु हमारे आसपास अब व्यक्त हो चुकी है ना, ऐसा बाबा कह रहे हैं, वस्तु उपलब्ध हो गई है। अब सिर्फ इतना ही करना है, समझदार मानव होने के लिए यदि हम ऐसा अपने में पाते हैं, जो पहले ही कहा कि कहीं ना कहीं यदि ये महसूस होता है कि मेरे में स्थिति में ही कुछ कमी है, ये परिस्थितियों का मुद्दा नहीं है, स्थिति का मुद्दा है ना। पर का मतलब होता है हम दूसरों के लिए देख रहे हैं ना, दूसरों की स्थितियों से हम सोच रहे हैं, हम प्रभावित हो रहे हैं, और ये परिस्थितियों का में कुछ बदलना होगा। तो हम अभी बहुत सारा एफर्ट परिस्थितियों को और लोगों को बदलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जबकि ये समझ में आ रहा है स्वस्थिति ही ठीक नहीं है, इसलिए स्वगति ठीक नहीं हो रही है। तो जैसे ही ये ध्यान आकर्षण होगा कि मेरे अपने में ही कुछ है ना, चित्त रूपी क्रिया ठीक से नहीं हो रही है, बुद्धि में ठीक से यथार्थता सत्यता वास्तविकता नहीं पहुंची है ना, तो ये पकड़ में आने से हमें ये स्पष्ट होगा कि
इस पर हमें काम करना होगा। तो फिर अपने को स्वयं को समझदार होने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। किस चीज पर ध्यान देंगे, है ना? तो पहले ही कहा कि जो सहस्तित्ववादी है ना शिक्षा है उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो यथार्थता, वास्तविकता और सत्यता, है ना? तो यथा अर्थ, जैसा जिस चीज में अर्थ है उसको यथार्थता कह रहे हैं, है ना? और वास्तविकता, जो जैसी वस्तु है उसको वास्तविकता कह रहे हैं। और सत्यता, जो फाइनली है ना अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में ये सत्य है और यथार्थ में रूप गुण स्वभाव की बात कर रहे हैं। और वास्तविकता में वस्तु में जो रूप गुण स्वभाव और धर्म स्पष्ट हो जाए इसकी बात कर रहे हैं। तो इस तरह से वस्तु, इसको दूसरे ढंग से भी कहते हैं, स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य और वस्तु स्थिति सत्य। तो वस्तुगत सत्य भी स्पष्ट हो जाए और स्थिति सत्य, जिसको सत्यता के नाम से कहा है, वो स्पष्ट हो जाए और वस्तु स्थिति भी स्पष्ट हो जाए कि आज की स्थिति में हम कहाँ खड़े हैं, इस बात का भी ज्ञान हो जाए। इस तरह से यथार्थता का भी, आज की स्थिति का भी ज्ञान हो जाए, वास्तविकताओं का भी ज्ञान हो जाए, वस्तु स्थिति क्या है, और हमारी सत्यता सहस्तित्व रूपी सच्चाई है इसकी भी स्पष्टता हो जाए। इन तीनों के रूप में हम कह रहे हैं हम समझदार हो गए। तो सहअस्तित्ववादी विचार, ज्ञान विवेक विज्ञान को समझना ही समझदारी। तो क्या है समझदारी? ज्ञान विवेक और विज्ञान, ये तीनों चीजें स्पष्ट हो जाएं। क्या मतलब हुआ तीनों में, है ना? ये ट्रिपलेट्स आएंगे बहुत सारे, है ना? तो ज्ञान विवेक विज्ञान, है ना, यथार्थता वास्तविकता सत्यता और स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य, वस्तु स्थिति सत्य, ऐसे ही ज्ञान विवेक और विज्ञान। अच्छा, ये तीनों विश्लेषण करने के लिए अलग अलग कह रहे हैं ना, ये अविभाज्य बने रहते हैं। ऐसा नहीं होता किसी को ज्ञान हो जाए और विवेक और विज्ञान ना उदय ना हो, है ना? ये नहीं होता है, है ना? हाँ, अध्ययन क्रम में एक क्रम से चलेगा कि कुछ कुछ चीजें, क्योंकि साक्षात्कार क्रम से होगा, लेकिन जब पूरी सच्चाई स्पष्ट होगी तो ये अविभाज्य रूप में दिखाई देंगे। तो ज्ञान विवेक और विज्ञान, तो ज्ञान कह रहे हैं कि सभी के लिए जो अस्तित्व सह अस्तित्व है इसकी स्पष्टता ही फाइनली ज्ञान है। विवेक क्या है? तो विवेक को कह रहे हैं लक्ष्य की स्थिरता। विवेक को दो ढंग से बताया है, एक तो है कि हमें कहाँ पहुंचना है ये स्पष्ट हो जाए, ये विवेक है, है ना? दूसरे ढंग से विवेक उदय को ये भी कह रहे हैं कि जीवन का अमृत स्पष्ट हो जाए, शरीर का नसरत स्पष्ट हो जाए और व्यवहार के नियम स्पष्ट हो जाए, इसको विवेक उदय कह रहे हैं। ये दोनों जुड़ी हुई चीजें हैं आपस में, है ना? क्योंकि जब तक जीवन का अमृत स्पष्ट नहीं होगा, शरीर का नसरत स्पष्ट नहीं होगा, व्यवहार के स्पष्ट नियम स्पष्ट नहीं होंगे, तो लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, है ना? तो लक्ष्य का निर्धारण विवेक है। और विज्ञान क्या कह रहा है? उस लक्ष्य तक पाने के लिए दिशा का निर्धारण विज्ञान कर रहा है कि अब यहां तक पहुंचेंगे कैसे, है ना? तो इसको विज्ञान कह रहे हैं। तो इस तरह से ज्ञान सहअस्तित्ववादी विचार में ज्ञान विवेक विज्ञान को समझना ही समझदारी है, ये तीनों ही स्पष्ट हो जाएं। क्योंकि आदर्शवाद और भौतिकवाद के अनुसार जितना जिए समझे उससे कोई सर्वशुभ विधि प्रतिपादित नहीं हो पाई। अब ये और इसको आगे बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, इसे स्पष्ट रूप में रेखांकित कर लेने की आवश्यकता है ना। ये काफी बोल्ड स्टेटमेंट है और इसको अपने को अच्छे से जांचना चाहिए, है ना? क्या कह रहे हैं कि क्योंकि आदर्शवाद और भौतिकवाद के अनुसार जितना जिए समझे उससे कोई सर्वशुभ विधि प्रतिपादित नहीं हो पाई। अब इसको ध्यान से देखें, इसमें ये कह रहे हैं कि सर्वशुभ विधि, ये नहीं कह रहे हैं कि कुछ इंडिविजुअल्स को कुछ उपलब्धि हुई होगी, है ना? इसको कहीं भी, है ना, बाबा पर्सनल चर्चाओं में भी और सारा जितना बांग में लिखा है उसमें भी इस बात को कहीं नहीं कह रहे हैं कि व्यक्तियों में सर्वशुभ नहीं घटित हुआ होगा, या स्वशुभ कहा जाए उसको, व्यक्तियों में स्वशुभ उपलब्धि नहीं हुई होगी, इसको नहीं कहा जा रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि सर्वशुभ विधि प्रतिपादित नहीं हुई। क्यों? क्योंकि समाज में ऐसा लोग इस ढंग से, है ना, सुखपूर्वक, समाधान समृद्धि पूर्वक, परस्परता में पूरकता विधि से मानव के साथ और प्रकृति के साथ जीते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो आदर्शवाद और भौतिकवाद सर्वशुभ विधि को प्रतिपादित नहीं कर पाया,
इसे स्पष्ट रूप में रेखांकित कर लेने की आवश्यकता है। क्यों ऐसा? क्योंकि जब तक इसकी समीक्षा नहीं होगी, हम घूम फिर करके कहीं ना कहीं ये माने रहते हैं कि हम और उसी पुराने ढंग से भी हम लक्ष्य को पा सकते हैं, जबकि ऐसा हो नहीं पाया, है ना। तो सब सर्वस्वरूप का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अपन कोई उसी पर बिल्ट ऑन करके अपने आप पहुंचे। उनके प्रति कृतज्ञता, गौरव, है ना, इसको बनाए रखते हुए कि हम जहां तक पहुंच गए हैं उसके लिए धन्यवाद, लेकिन हम ये भी पा रहे हैं इससे हम वहां नहीं पहुंचे जहां पहुंचना चाहते हैं। उसी कड़ी में ये अगला नया एक अनुसंधान है, एक प्रस्ताव है, इसको भी जांच के देखने की बात बाबा कह रहे हैं। और बाबा इतने ओपननेस के साथ कह रहे हैं कि यदि इस प्रस्ताव से भी मानव जाति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगी तो मानव में, मानव परंपरा में अभ्यास और अनुसंधान करने वालों की कमी नहीं है। कोई मानव फिर अनुसंधान करेगा, क्योंकि मानव जाति तो जब तक सर्व शुभ को नहीं पालेगी तब तक, है ना, इसमें प्रयास करती ही रहेगी। इस अर्थ में बाबा बहुत ही ओपन, है ना, अपने को माने कसौटी पे डालते हुए कह रहे हैं, और ये लिखा भी है, आएगा आगे बांग में अपन पढ़ेंगे। यदि इस प्रस्ताव से भी जो मानव की चिर अपेक्षा है, जो चिर वांछा है, अर्थात हर हर परिवार, हर व्यक्ति समाधान समृद्धि अभय से अस्तित्व के साथ जी सके, जब तक ऐसा घटित नहीं होगा तो और लोग अनुसंधान करेंगे, है ना। मानव अनुसंधानकर्ताओं से रिक्त और मुक्त होने वाली नहीं है मानव परंपरा, है ना। इसीलिए क्यों? क्योंकि अस्तित्व में जो पहले चैप्टर अपन ने पढ़ा था, अनीता दीदी ने लिया था, जागृति अस्तित्व स्थिर है और जागृति निश्चित है, परंपरा तो बनेगी ही। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उस क्रम में इस धरती पर ना बने, समय की सीमा को और धरती की सीमा को हटा दिया जाए। अस्तित्व में जागृति की अस्तित्व की स्थिरता है और जागृति की निश्चितता है। तो सर्व शुभ का स्रोत नए अस्तित्ववादी ज्ञान, विचार रूपी विज्ञान और विवेक ही है, क्योंकि जो सर्व शुभ का स्रोत तो सहअस्तित्ववादी ज्ञान ही है। उसी के फलन में, जो विचार में विज्ञान और विवेक स्पष्ट होता है, इसे बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं, जीने दे सकते हैं, जी भी सकते हैं। हम हर व्यक्ति समझदारी की गति में प्रमाण है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हर व्यक्ति, ये भी बहुत जबरदस्त बात कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ना परंपराओं में ऐसा माना जाता है कि ये तो बिरले लोगों को ही उपलब्ध हो सकता है ना, हम जैसे तुच्छ लोग, है ना, ऐसा हमारे बहुत सारे लोग मानते हैं, है ना। स्पेशली मैं छोटा मोटा जो अध्ययन जैन होने के नाते जैन परंपरा का किया, तो उसमें एक भक्तांबर स्रोत पढ़ते हैं, और मैं बचपन में बहुत मन से उसको पढ़ा करता था, लेकिन उसमें एक एक ऐसा कपलेट, एक दोहा ऐसा आता है कि जितने परमाणु थे, है ना, जो अच्छे परमाणु की बात कर रहे हैं वहाँ भी, वो तो, है ना, जो तीर्थंकर हैं उनके बनने में लग गए, अब बचे नहीं हैं, है ना। तो या बहुत ही कम लोग, उन्होंने आगे भविष्य में भी 24 और तीर्थंकर होंगे, है ना, आने वाले हजारों सालों में। और जो तीर्थंकर बनने के पहले जो बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तो माँ को बहुत सपने आते हैं, है ना, अलग अलग 16 स्वप्नों की बात की है उधर, हर परंपरा में अपना अपना कुछ है। तो अब मेरी माँ से तो मैंने पूछा तो उनको तो वो सपने नहीं आए, तो इसका मतलब मैं तो तीर्थंकर नहीं बन सकता इस जन्म में, है ना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सर्व सुख का स्रोत सहअस्तित्ववादी ज्ञान, विचार रूपी विज्ञान विवेक ही है, इसे बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं, जीने दे सकते हैं, जी भी सकते हैं। हम हर व्यक्ति समझदारी की स्थिति गति में प्रमाणित हो सकते हैं और लोगों को प्रमाणित होने के लिए प्रवृत्त कर सकते हैं। क्या सुंदर बात है। तो ये जो ज्ञान, एक बहुत अच्छा मुझे बाबा के साथ वो याद आ रहा है कि बाबा ये कहते थे देखो, तो ज्ञान आदमी को विशेष नहीं बनाता है। तो क्या करता है ज्ञान? तो बाबा बोले बेटा, ज्ञान का मतलब है जो आदमी को सामान्य बना दे वो ज्ञान है। क्या बात है। अभी सारा हम सारा ज्ञानी विशेषता की ओर जा रहे हैं, है ना। यहाँ कह रहे हैं ज्ञान वो वस्तु है जो मानव को सामान्य, अर्थात जो अहंकार रहता है उसको सामान्यीकरण कर देता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान होने के बाद ये लगता है मेरे में कोई ऐसी स्पेशलिटी नहीं है भाई, मैं भी वही एक जीवन हूँ, ऐसे ही सारे जीवन हैं, हर एक में आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन में क्षमता के रूप में समानता है, ध्यान देने की केवल जरूरत है। तो यदि मैं किसी क्रम में ध्यान दे पाया,
सफल हो पाया, हर व्यक्ति सफल हो सकता है, ये गजब की बात कह रहे हैं। ये जो सेंटेंस है कि हम हर व्यक्ति समझदारी की स्थिति गति में प्रमाणित हो सकते हैं, जबकि बहुत सारे पूर्व के दर्शनों में बहुत ही बिरले लोगों को इस सफलता को पाने के लिए कैंडिडेट माना गया। और यही ये चूंकि इस तरह का उनका अनुभव में आया, इसी आधार पर समझदारी का लोक व्यापीकरण की विधि बनती है। अदरवाइज लोक व्यापीकरण की विधि नहीं बनती है, हर परंपरा कुछ विशेष लोगों को इकट्ठा करके बात करना चाहती है ना। इस क्योंकि क्योंकि लोक व्यापीकरण कैसे करेंगे, हम तो ये माने हुए हैं कुछ लोग तो पैदा ही दानव प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ लोग तो देव प्रवृत्ति के पैदा होते हैं, कुछ मानव प्रवृत्ति के पैदा होते हैं। तो अब हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो अच्छे लोग हैं, जबकि बाबा ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है, हर मानव हर व्यक्ति इसको प्रमाणित कर सकता है। यही आधार है कि समझदारी का लोक व्यापीकरण किया जा सकता है। संपूर्ण मानव का स्थिति गति में प्रमाणित होना, संपूर्ण स्थितियां सार्वभौमिक और अखंड समाज संबंध के रूप में स्पष्ट हैं। इन सभी सोपानों में भागीदारी करना ही प्रमाण का तात्पर्य है। ऐसे प्रमाण मानव में से के लिए अनुभव मूलक विधि से परावर्तित होते हैं। तो ये बहुत ही गजब की बात है ना, कि इन सभी सोपानों में कौन कौन से सोपान, जो 10 सोपानों की बात करते हैं, परिवार जो प्रथम सोपान है, देखिए जो अखंड समाज सार्वभौमिक व्यवस्था का जो 10वां सोपान है, इन सभी सोपानों में भागीदारी करना ही प्रमाण। अब प्रमाण का क्या मतलब है भाई, कोई पूछे प्रमाण क्या हुआ, है ना, मैं अनुभव संपन्न हो गया, प्रमाण का क्या मतलब है? तो इसका प्रमाण जो है, परंपरा में सभी सोपानों में भागीदारी करना ही प्रमाण का मतलब है ना। तो यदि मैं समझदार हो गया तो उसकी वजह से जो ईमानदारी आई, उस जो जिम्मेदारी का भाव आया, उसका जो फाइनली फलन है वो भागीदारी है। तो सभी सोपानों में भागीदारी करना ही प्रमाण का तात्पर्य है। ऐसे प्रमाण मानव मैं से के लिए अनुभव मूलक विधि से परावर्तित होते हैं। अनुभव से कम में ऐसे प्रमाणों का परावर्तन की निरंतरता नहीं बनती। इसको फिर से ध्यान दिला रहे हैं कि उस ऐसे प्रमाणों को परावर्तित करने के लिए स्थिति में, क्योंकि ये गति है ना, प्रमाण को व्यक्त करना क्या है, गति। तो ऐसे होने के लिए अनुभव रूपी स्थिति की जरूरत पड़ेगी, उसको अपने को पुरुषार्थ पूर्वक अर्जन करना होगा। ये बात पर ध्यान करा रहे हैं कि ऐसे प्रमाण मानव में से के लिए अनुभव मूलक विधि से परावर्तित। बहुत ही सुंदर है ना, और बहुत ही माने मुझे तो ये बहुत बल देता है ना। जब बाबा से कभी हम लोग जब पूछते थे कि बाबा आपको लगता है हमको अनुभव हो जाएगा, तो बाबा बोलते थे बेटा जब मुझे मुझ जैसे आदमी को हो सकता है। देखिए शब्दों को माने एक, अब मैं हम लोग सोचते हैं, मैं कम से कम सोचता हूँ कई बार, तो लगता है कि क्या मतलब, एक बंदा 20 साल का अपने है ना तप करके किसी स्थिति को पाया, और हम लोग तो उस समय मिल रहे हैं, ये बाबा को तो लगभग लगभग 1970-75 में ये है ना संयम की स्थिति हो गई है, मेरी मुलाकात लगभग 90 में हो रही है ना। और उस समय हम लोग पूछ रहे हैं है ना कि क्या हमको हो जाएगा, तो बाबा की मैंने ह्यूमिलिटी देखिए, या हम लोगों के लिए एक प्रोत्साहन करने की बात को देखिए, कि बोले बेटा जब मेरे जैसे व्यक्ति को हो सकता है तो तुम लोग तो मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हो, अच्छी स्थिति में हो। इस तरह से एक प्रोत्साहन है ना, एक एक जागृत व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति, अब हम लोग अपनी स्थिति को देखते हैं, मैं देखता हूँ तो लगता है कि इतने सामान्य भाव से प्रोत्साहन कर रहे हैं कि बिल्कुल हो सकता है, जब मुझे हो सकता है। तो ये जो एक सामान्यीकरण है कि सभी मानव को हो सकता है ना, तो ये बहुत ही गजब की बात है। कई बार उनसे बोलते थे बाबा आशीर्वाद दीजिए मुझे जल्दी अनुभव हो जाए, तो बाबा बोलते मेरा आशीर्वाद सभी के लिए है ना। तो इतना सामान्य सी बात है, क्योंकि समझदार व्यक्ति के पास भेदभाव खत्म हो जाता है। जिस तरह से व्यापक काम ऊर्जा के लिए हर इकाई के लिए समान रूप से उपलब्ध है, तो लगभग उसी की लाक्षणिकता एक जागृत व्यक्ति में, अनुभव संपन्न व्यक्ति में उसी की लाक्षणिकता आ जाती है। तो साम रूप से दया कृपा करुणा बिना किसी भेदभाव के अपने पराये से मुक्त रूप में हर व्यक्ति को समान रूप से उपलब्ध होती है। तो उसका रूट अब दिखाई देता है, क्योंकि उनको स्थिति में ये दिख जाता है कि हर मानव समझदार होने के योग्य है और समझदारी को प्रमाणित करने के योग्य है। जैसा उन्होंने लिखा था कि ये स्थिति
बनती है, इस विधि समझ में आती है, इसीलिए लोग व्यापीकरण करने के लिए प्रस्तावित होते हैं। एक बार मुझे याद है, मैं भोपाल में है ना, सुरेंद्र पाठक भाई के यहाँ बाबा जी थे, और एक किसी क्रम में ये बनना हुआ कि उस समय जो ह्यूमन राइट्स के है ना, उस समय जो भोपाल एमपी के जो चेयरमैन हुआ करते थे, उनसे मुलाकात का एक प्रोग्राम बना और हम लोग मिलके आए। तो कई बार हम लोग मतलब अपनी अज्ञानता बस है ना, बाबा के बोलते थे, बाबा आपको नहीं दिखता इन लोगों के साथ आप इतना समय लगाते हैं, इनमें थोड़ी कुछ होने वाला है ना। तो बाबा बोलते थे, बेटा किसके साथ कब क्या होगा है ना, इसको इसको हम लोग नहीं पहचान सकते। कब मानव में ये शुभ उदय हो जाएगा, कब उसका ध्यानाकर्षण उसकी ओर चला जाएगा, इसलिए समान रूप में सभी के साथ अपने को नियोजित करने की जो है ना, उनमें एक प्रवृत्ति लगातार हम लोग देखते रहे। और माने 90 में मिले हों, चाहे 2010 में मिले हों, 2005 में मिले हों, सभी से समान रूप से उसी लक्ष्य के साथ निरंतर गतित हैं। ये जो रविकांत भाई ने भी कहा था कि वो तो इसलिए गए थे कि आवेश मुक्त हो जाएं, और कहीं हम लोग ये देख पाए कि कैसे एक निरंतरता है ना, समझदारी के बाद एक कैसे एक लक्ष्य के प्रति एक निष्ठा संकल्प। अब हम शब्दों को देख पा रहे हैं कि क्योंकि बुद्धि में जो बोध होता है तो वो संकल्प, तो जो लक्ष्य मूलक जो जीना है और उसकी जो खुशबू है, और उसके साथ साथ जो व्यवहार के नियम और है ना, खाने पीने का मतलब, क्योंकि संवेदनाएं ज्ञान में किस तरह से नियंत्रित होती हैं, तो बहुत ही सुंदर है ना, जो एक हम उस जीते हुए को देख पाए, ये बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन है ना, जो उनमें एक सामान्यता को देख पाए, एक किसान से भी किस तरह से बात कर रहे हैं, एक आम आदमी से किस तरह से बात कर रहे हैं, कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति भी आ जाए उससे भी कैसे बात कर रहे हैं। और हमने कभी क्लोज डोर मीटिंग्स नहीं देखी है ना, कि कोई मिनिस्टर लेवल का बंदा आ गया, या कोई है ना पॉलिटिक्स में बहुत हाई लेवल पे है, या कोई आईएएस आ गया, जो चर्चा हो रही सबके साथ हो रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो मानव आगे पढ़ते हैं है ना, मानव विज्ञान विधा में पारंगत होना चाहे, पारंगत होने में अभी तक की प्रायोगिक व्यवहारिक अड़चन यही दो मुद्दे में सिमटा ना। पहला, अंतिम सत्य का अता पता नहीं हो पाया। तो अब क्या कह रहे हैं कि देखो, मानव जो है विज्ञान भी पारंगतता को चाहता है, विज्ञान विधा में हम पारंगत होना चाहते हैं, उसमें प्रायोगिक और व्यवहारिक अड़चन क्या आ रही है ना। तो दो लिखे हैं, बट यहाँ पे चार मुद्दे लिखे हैं। पहला तो ये कि अंतिम सत्य का अता पता नहीं हो पाना। अब विज्ञान एकदम इस पे तुल गया है कि भैया हम जो पहुंचे हैं अंतिम सत्य का कुछ पता नहीं है। माने हम सब देखें भी अपने में भी, हम ये माने रहते हैं कि अभी हम कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का क्या उत्तर निकलेगा, भैया कुछ निकल आएगा है ना, क्या हम अंतिम सच्चाई तक पहुंच गए, नहीं बोले अभी और प्रयोग करेंगे। तो एक तो स्थिति है कि हम अंतिम सत्य का आता पता नहीं हुआ है ना, जिसको अपन कह रहे हैं कि क्योंकि परमाणु में व्यवस्था है, हम परमाणु से नीचे चले गए, अंश में चले गए, अब अंश के टुकड़े करते रहते हैं है ना। तो मेजॉन, न्यूट्रिनो या बोजॉन पार्टिकल, पता नहीं क्वार्क्स, अब चले जा रहे हैं। अरे भाई, व्यवस्था का अध्ययन होना है तो वहां एक जगह रुकना पड़ेगा है ना, तो हम कहीं पर अंतिम सत्य तक का आता पता नहीं हुआ। दूसरा, मूल मात्रा, ऊर्जा स्रोत और लक्ष्य का पता नहीं चला। तो एक मूल मात्रा स्पष्ट नहीं, अगला चैप्टर अपन उसी के ऊपर है, 9th चैप्टर, उसमें और बात करेंगे कि मूल मात्रा इसको कह रहे हैं, तो परमाणु ही मूल मात्रा का स्वरूप है। अभी हम वहां पे जो मैटर और एनर्जी में कंफ्यूज हो गए, तो कितने ही टुकड़े करते रहे तो बाद में क्या बचेगा, बोले एनर्जी बचेगी। एनर्जी क्या मैटर है, बोले पता नहीं है ना, तो हम अंतिम सत्य तक नहीं पहुंच पा रहे। दूसरा, मूल मात्रा और ऊर्जा स्रोत, और ये क्यों क्रियाशील है, इसके बारे में हम नहीं पता पा रहे। फिर फाइनली लक्ष्य क्या है भाई, भाई के लिए ये सब कर रहे हैं, तो लक्ष्य स्पष्ट नहीं हो पा रहा है ना, कोई लक्ष्य नहीं पता चल रहा है। मानो अभी तो हम यहाँ पहुंच गए कि ग्लोबल वार्मिंग, जैसे बहुत ही सुंदर ध्यानाकर्षण जो प्रदीप भाई पढ़ रहे थे कल, तो मैं देख रहा था, बाबा कह रहे हैं कि मानव जाति ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसकी तो बात कर रहा है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं ले रहा भाई कि मेरी वजह से हुआ। क्यों बोले, अभी तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं तो होते ही रहता है, तो साइकिल चलते रहते हैं, आई से जाती है, फिर ग्लोबल वार्मिंग आई, फिर हम कुछ और आएगा। तो हम कहीं अभी तक हम पहचान ही नहीं पा रहे कि धरती पर व्यवस्था है और ये लगातार बने रहने के लिए किसी उद्देश्य के साथ है, कोई मानव का लक्ष्य भी है कि नहीं है। इस तरह से विज्ञान भी जो प्रयास किया, एक तो अंतिम सत्य का पता नहीं हो पाया, मूल मात्रा, ऊर्जा और लक्ष्य के बारे में हम कंफ्यूज हैं, अभी तक पता नहीं चला। तीसरा, मानव का अध्ययन नहीं हो पाया है ना।
तो मानव क्या है ये पता नहीं लग रहा। फ्रॉयड के हिसाब से देखें तो मनोविज्ञान का जब अध्ययन करते हैं तो पता लगा काम वासना के लिए सारा काम कर रहा है। वो भाई तो वहां तक पहुंच गए कि पिताजी जो है वो बेटी के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, माँ भाई बच्चे के माने अपने सन के प्रति। आप बेवकूफियों की बात कर रहे हैं। तो पूरा फ्रायड भाई ने क्या किया, अमानवीय आचरण को अध्ययन कर डाला। क्यों? क्योंकि विज्ञान का एक और तरीका है कि मानव का अध्ययन करना है तो जो प्रचलित मानव है उसका अध्ययन कर डालो, सर्वेक्षण कर लिया। अब अभी प्रचलन में अमानवीयता के में जीते हुए लोग ज्यादा हैं, तो अमानवीय तो आदमी लोभ के लिए ही जिएगा, तो स्वार्थी है, पापी है, अज्ञानी है। वहां पर हमारा आदर्शवाद भी ये कह रहा था, है ना, और यहाँ पर विज्ञान ने भी यही कंक्लूजन। फिर हम कह रहे हैं है ना, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी इज वन प्लेस, कहाँ, रहस्य में एक जगह आ गए या बेवकूफियों में एक जगह पहुंच गए। तो ये इस तरह से तो मानव का अध्ययन नहीं हुआ। तो हम क्योंकि जो आज का प्रचलित मानव है उसको मानव कह देते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो मानव में निहित अमानवीयता का अध्ययन हो जाता है ना। तो इस तरह से तो जबकि क्यों उसको अमानवीय कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा जीते हुए मानव खुद ही सुखी नहीं हुआ भाई, वो परिवार में जी ही नहीं पा रहा है। तो इस तरह से कई ढंग से देखते हैं। तो सही अर्थों में जब बाबा यहां मानव कह रहे हैं, तो जो मानव की जो अपेक्षाएं हैं, माने मानव में जो मानवत्व है, या जो जागृति के बाद मानव की स्थिति है, या मानव के लिए अस्तित्व में जो डिजाइन है, जिसका प्रावधान है, उस मानव का अध्ययन नहीं हो पाया है ना। नहीं तो कई लोग बोले क्या बात कर रहे हैं, हमने तो मानव का सर्वेक्षण कर लिया, और अभी आते भी रहते हैं बड़े बड़े अच्छी अच्छी मैगजीन में, है ना, ये सब आता रहता है, और उसके निष्कर्ष यही निकलते हैं कि मानव तो लाभ के लिए ही जिएगा, काम के लिए ही जिएगा, भोग के लिए ही जिएगा, और उसी के आधार पर हमारी एडवर्टीजमेंट प्लानिंग सारी चीजें चलती रहती हैं, है ना, क्योंकि मानव का अध्ययन नहीं हुआ। यहाँ पे जब मानव शब्द बाबा कह रहे हैं, तो जो मानव में निहित मानवीयता है, या जो उसकी चिर आकांक्षा है, चिर वांछा है, जो अस्तित्व में उसके होने का रहने का स्वरूप है, उसका अध्ययन नहीं हो पाया। चौथा, अस्तित्व का प्रयोजन स्पष्ट नहीं हो पाया। ये अस्तित्व है ही क्यों यार, ये काहे के लिए सब हो रहा है ना। तो मुझे अच्छी तरह से याद है, एक बार सत्या जी के साथ, मैं, बाबा, सत्या जी है ना, संजीव भाई, रण सिंह भाई और भी कुछ लोग है ना, वहाँ थे, और उस पर चर्चा हो रही थी कि बाबा है ना, विज्ञान के हिसाब से ऐसा लगता है कि सेल जो है ना, जो प्राण कोशा है, कभी कभी गलती कर देती है और इसलिए नई सेल बन जाती है ना। तो बाबा बोले, बेटा गलती नहीं कर देती है, ये सेल अनुसंधान कर रही है ना। क्या अनुसंधान कर रही है, जिससे कि अगली स्थितियां प्रकट हो जाएं, जिससे कि जीवन अपने को व्यक्त कर सके। तो कितना गजब का अस्तित्व का प्रयोजन है। तो अस्तित्व किसी प्रयोजन के साथ है, जबकि विज्ञान कह रहा है कि अस्तित्व में रेंडमनेस है ना। क्या गजब की बात, मतलब कितना बेवकूफी से सोच सकता है आदमी कि ऑर्डर आउट ऑफ कैओस। क्या कह रहे हैं कि रूट में, मूल में जो क्वांटम बात कर रहा है, क्वांटम थ्योरी, तो रूट में तो हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी है। तो क्या कह रहे हैं कि रूट में अनसर्टेनिटी है, फ्रूट में व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था को नकार नहीं पा रहे, धरती चक्कर लगा रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि आज धरती 24 घंटे में अपनी धुरी पे घूमी, कल उसने 28 घंटे में घूमी, ऐसा हो नहीं रहा है। आज ही हम बता दे रहे हैं कि कब आने वाले 100 साल बाद किस दिन चंद्र ग्रहण होगा, किस दिन सूर्य ग्रहण होगा। तो इतनी व्यवस्था है, और चूंकि उसके रूट में वो परमाणु को नहीं मान करके परमाणु के अंदर निहित अंशों में जो अव्यवस्था को देख रहे हैं, जिसको है ना प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल कह रहे हैं। फिर ऐसे स्टेटमेंट आते हैं कि रूट में अनसर्टेनिटी है लेकिन फ्रूट में व्यवस्था है, ये बड़ा। और फिर कह रहे हैं कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अरे कैसे समझ में आएगा भाई, रूट में व्यवस्था है ना, परमाणु से व्यवस्था की शुरुआत है, परमाणु अंश भी व्यवस्थित होना चाहता है, आगे अपन देखेंगे इसको, और हर मानव भी व्यवस्थित होना चाहता है। तो रूट में भी व्यवस्था की प्रवृत्ति है, इसीलिए फ्रूट में व्यवस्था है, क्योंकि स्थिति में व्यवस्था है ना। माने किस रूप में, जो सहस्तित्व है व्यापक और इकाई का, वहां पर व्यवस्था है, इसीलिए गति में, स्थिति के बिना गति नहीं होती है। इतना ब्यूटीफुल चीजों को हम लोग छोटे छोटे ढंग से मिस कर दिए, तो इसलिए हम अस्तित्व के प्रयोजन को नहीं समझ पा रहे हैं। और फिर जब ऐसी बात बोलते हैं कि भैया सब कुछ कुछ प्रयोजन है ही नहीं, अब जब प्रयोजन नहीं है तो भैया भोग ही कर लो, है ना, तो भोग कर लो भाई, है ना। यहां पे हम पहुंच जाते हैं, अच्छा भोग करने से तृप्ति हो नहीं रही,
है ना, ऐसा हम फंस गए कुल मिला के। तो बहुत गजब का विश्लेषण है, मैं तो जितनी बार पढ़ता हूँ है ना उतनी बार अभिभूत हो जाता हूँ, कितना सिंपल शब्दों में सामान्य आदमी के लिए है ना। जैसे कल वो उदाहरण दे रहे थे कि देखो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, अरे धरती की सतह पे ज़्यादा संभावना होगी कि उसके अंदर गड्ढा करोगे तो छोटी होती जा रही धरती। तो कह रहे भैया एक सर्किल बना लो, कंपास से बना लो, हाथ से बना लो, उसके अंदर अंदर चले जाओ, छोटा सर्किल बनाओ, कहाँ ज़्यादा है संभावना। तो फिर भी हम पेट फाड़ के, हमें लगता नहीं नहीं धरती के अंदर सब कुछ निकल आएगा है ना। और इतनी छोटी छोटी बातों को ध्यान आकर्षण करा रहे कि किसी आदमी की किडनी निकाल लो, फिर बोलो कि अरे स्वस्थ क्यों नहीं है। अरे भैया उसकी किडनी गुर्दे तुमने फेफड़े निकाल लिए, अब धरती से सारा माल बाहर निकाल लो। फिर कह रहे धरती यार अस्वस्थ क्यों हो जा रही, वाई इज इट, इसमें ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही। अरे भैया उसके धरती के अंदर की चीज़ें धरती की स्वस्थता के लिए है, तभी तो स्वस्थ होकर के मानव आया है यहाँ तक ना, प्राण अवस्था आई, जीव अवस्था आई। इतने छोटे छोटे ध्यान आकर्षण हैं ना, हम लोग कैसे है ना लोगों का ध्यान दिला पाए है ना। विज्ञानी भी अपने ही भाई हैं, कोई विज्ञानी अलग प्रजाति नहीं है ना, हम सबके बच्चे, हम सबके भाई बंधु इसमें काम कर रहे हैं। केवल ध्यान आकर्षण नहीं हुआ, समझदारी को हम लोग कैसे ध्यान आकर्षण करा पाएं, ये अपने ऊपर एक बड़ा एक तरह से एक जिम्मेदारी भी है। तो इस ढंग से विज्ञान में इतना लंबी चौड़ी निष्ठा से प्रयोग करने के उपरांत भी सभी स्पष्ट रूप से जीना चाहने वाले कुंठित हो है ना। तो इतनी निष्ठा के बाद यदि कोई सही अर्थों में विज्ञान में बहुत सिंसियरली काम करता है तो फाइनली कुंठित हो जाता है, अर्थात उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, जिसको बाबा कहते हैं काली दीवार के सामने आ जाते हैं। इस मुद्दे पर पहले यह तय हुआ कि भौतिकवादी विधि से अथवा आदर्शवादी विधि से विज्ञान के सामने जितने भी दावे हैं, अर्थात जितने भी प्रश्न चिन्ह आते हैं, उसे आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक ध्रुवों के आधार पर हल करने का प्रयास किया जाए। ये क्यों बात कर रहे हैं सारी, ये कह रहे हैं भैया देखो अभी के प्रचलित आदर्शवाद विज्ञान और भौतिकवाद से उत्तर नहीं निकलेगा, इसको रेखांकित कर लिया जाए ना, तो उसे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ध्रुवों के आधार पर हल करने का प्रयास किया जाए। तो आप पाएंगे अभी के भौतिकवाद में और आदर्शवाद में आर्थिक समस्याओं के उत्तर नहीं है, सामाजिक समस्याओं के उत्तर नहीं है, राजनीतिक समस्याओं के उत्तर हमें नहीं मिल पाएंगे है ना। तो ये बहुत ही मैंने कई बार ऐसा है कि कठोर समीक्षा करनी पड़ेगी अपने को है ना, क्योंकि हम अपने में केवल ध्यानपूर्वक है ना 12-12 घंटे 18-18 घंटे ध्यान में जाएंगे, इससे सामाजिक समस्याओं के उत्तर नहीं निकल रहे हैं, राजनीतिक समस्याओं के उत्तर नहीं निकल रहे हैं, और जिस तरह का अभी हम भौतिकवादी ढंग से जी रहे हैं इससे आर्थिक समस्याओं के उत्तर नहीं निकल रहे हैं। आप लोग सरप्राइज्ड होंगे है ना, और अभी अपने एक मित्र हैं प्रवीण भाई, उन्होंने कुछ कुछ इकोनॉमिक्स पे काफ़ी काम किया, उनसे मैंने कुछ कुछ उनका क्या शोध रहा उसको मंगवाया था, तो बहुत ही आश्चर्यजनक उत्तर आपको उसमें दिखेंगे कि पिछले मैंने कुछ दशकों में विज्ञान जो ये कहता रहा कि उसका लक्ष्य है कि हर आदमी तक सुख सुविधाएँ पहुँच जाएँ है ना, सुविधाओं से सुखी हो ही जाएगा, ये अंडरलाइंग उसका रूट है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि गैप बड़े हैं है ना। पिछले 20-25 सालों में जो भारत में आप लोगों को सरप्राइज होगा कि जितनी भी वेल्थ है 1% लोगों के पास 49% वेल्थ हुआ करती थी, ये शायद 70s का 90s का आंकड़ा है, 2010-15 के अभी जो आंकड़े हैं उसमें 1% लोगों के पास 58.5% वेल्थ आ गई है। तो सारा भौतिकवाद आर्थिक समस्या को हल करने में असमर्थ है। ये सब चीज़ें यहाँ पर ध्यान दिला रहे हैं कि हम माने इन सब चीज़ों को अपने को अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे मन में ये बार बार लगा रहता है कि समस्याएं तो हैं, इनके उत्तर या तो भौतिकवाद को जो मानते हैं वो भौतिकवाद में निकल ही आएगा, आज नहीं तो कल उत्तर निकल आएगा, ऐसा माने हुए हैं, या बहुत सारे लोग इस बात को माने हुए हैं कि आदर्शवादी ढंग को हम ठीक से पहचान नहीं रहे हैं, नहीं तो हमारे आदर्शवाद में उत्तर तो सारे हैं। यहाँ ये कहा जा रहा है इसको देख लिया जाए क्या उससे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ध्रुवों के आधार पर, क्या ध्रुव है आर्थिक, पहले ध्रुव को पहचानना पड़ेगा, आर्थिक में उपलब्धता क्या चाहते हैं, तो हर परिवार समृद्ध हो जाए ये आर्थिक ध्रुव है। देखिए क्या है, जब तक हम गोल ध्रुव माने लक्ष्य को ध्रुवीकृत नहीं करेंगे, सामाजिक ध्रुवीकरण क्या है, तो हम हर व्यक्ति के साथ न्याय कर पाएंगे, ये सामाजिक ध्रुवीकरण है।
राजनैतिक ध्रुवीकरण क्या है कि हर मानव तन मन धन की सुरक्षा से संपन्न हो पाए, है ना, भय मुक्त हो पाए, ये राजनैतिक ध्रुवीकरण है। इन तीनों को ध्रुवीकरण करेंगे फिर हमारी जो भी अभी तक की भौतिकवादी आदर्शवादी मान्यताएं हैं उनको इसमें फिट करके देखना पड़ेगा क्या इन ध्रुव तक पहुंचने का उससे सूत्र निष्पन्न होता है नहीं होता है, इसको कह रहे हैं। परंतु इस आधार पर कोई सार्थक दृष्टि के अनुसार तर्क संगत और प्रयोजन संगत व्यवस्था परंपरा को स्थापित नहीं कर पाया, इसके लिए ध्यान आकर्षण कर रहे हैं। अभी तक तो नहीं हुआ, फिर भी यदि अपने को लगता है तो उसको बताइए, है ना, इसके लिए ओपन है। इसकी अपेक्षा शुभ चाहने वाले, दूसरी भाषा में सर्व शुभ चाहने वाले हर नारी में ऐसी चाहत पाई जा रही। तो अब जबकि हर नर नारी में ये जो मैंने आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक ध्रुव को पहचानने की बात की, ये हर नर नारी की अपेक्षा तो है ना, इसकी अपेक्षा हर नर नारी में पाई जा रही है, लेकिन इसके तर्क संगत प्रयोजन संगत कार्य व्यवस्था कार्य व्यवहार और व्यवस्था परंपरा को हम नहीं देख पा रहे। दूसरी ओर कुंठित होने वाली बात स्पष्ट हो चुकी है, कुंठित होने वालों में भी बहुत से लोग सर्व शुभ चाहते ही होंगे, है ना, जो कुंठित भी हो गए हैं, निराश हो गए हैं कि अब इससे कुछ नहीं होगा, है ना। शुभ चाहने वाली विधि से तर्क संगत करने जाते हैं तो सर्व शुभ ही ध्रुव होता है। तो शुभ चाहने वाली विधि से अब यदि हम जब देखने जाएंगे यही निकल के आता है कि सर्व शुभ कैसे हो जाए। अब यहां सर्व शुभ की चाहत को कहां पर, यहां मध्यस्थ दर्शन अस्तित्ववाद में, अब यहां सर्व शुभ की चाहत को सर्व मानव की स्वीकृति अथवा सर्वाधिक की स्वीकृति मानते हुए, क्या मानते हुए कि हर सर्वाधिक लोग तो सर्व शुभ चाहते हैं, ऐसा मानते हुए आगे और सोचने समझने प्रमाणित प्रमाणों को प्रस्तुत करने के क्रम में इस आलेख को आगे बढ़ाए, अर्थात मानव कर्म दर्शन को आगे लिख रहे हैं, है ना। तो ऐसा मानते हुए आप लोग भी जांच लें ये चाहत है कि नहीं है, है ना, क्योंकि आगे का चर्चा इस आधार पे है, आगे की चर्चा इस आधार पे नहीं है कि मेरा शुभ कैसे हो जाए, आगे की चर्चा इस आधार पे कि सर्व शुभ कैसे हो जाए, क्या बात है। तो अपने में इस बात को यदि हम टटोल पाते हैं कि नहीं नहीं मेरी तो मेरी चाहत इसी ओर, माने मेरा वोट तो इसी ओर जाता है कि सर्व शुभ होना चाहिए, ये इसी ओर मेरी बात जाती है कि आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक ध्रुव मेरे में तो यही लगते हैं, तो फिर आगे की बात इस आधार पर कह रहे हैं। एक्चुअली पूरा बांग्मय पूरा दर्शन इसी आधार पर लिखा गया है। तो अभी तक जो विज्ञान जो भी विज्ञान कहलाने वाली विधियां रही हैं उनमें निम्नलिखित बिंदुओं को स्पष्ट करने की परिकल्पना प्रमाण उन्हीं के दृष्टिकोण से रही। विज्ञान का दृष्टिकोण क्या रहा, तो विज्ञान का दृष्टिकोण संघर्ष के लिए विज्ञान का दृष्टिकोण संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध है। क्या बात कर रहे हैं भाई, कठोर बात कर रहे हैं, हम तो लगता है विज्ञान तो भला करना चाहता है, जबकि यहां कह रहे हैं कि विज्ञान तो संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध है। आप सरप्राइज होंगे कि कभी आप देखिए, मैं उसी, है ना, आपको ये लगेगा और आप कि कितना अधिक धन आज हमारा डिफेंस में जा रहा है, किसका, ग्लोबल, तो आप सरप्राइज्ड होंगे कि 30-35% से अधिक धन हम केवल डिफेंस के लिए हथियार बनाने के लिए। तो भैया वैज्ञानिक है, हम तो संघर्ष नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं, पीस चाहते हैं, हम तो शांति चाहते हैं। भैया यदि शांति चाहते हो तो कौन सी गन से शांति आती है, बाबा कई बार बोलते थे बेटा गन होगी तो मार, वो तो मारने के काम ही आएगी ना भाई। तो मानव में निहित अमानवीयता को दूर करने का कोई प्रयास नहीं है। आज भी कोरोना के चलते जबकि हम इस बात को पहचान रहे हैं कि ये वायरस जंप कर जाता है ना, कहां से एनिमल से ह्यूमन में, हम अभी भी वेट मार्केट को खोलें कि नहीं खोलें तो इतनी चर्चा हो रही है वेट मार्केट के लिए, और सेफ गार्ड लगाने चाहिए, है ना, तो कैसे जिएगा। इस पर चर्चा नहीं हो रही कि भैया इस तरह का भोजन मार क्या सेफ गार्ड लगाए जाए,
बड़ा कई बार माने एक तरह से माने ऐसी कैसे हम कितनी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दे पा रहे। तो हम पूरी विज्ञान जो है वो संघर्ष पर टिकी हुई है, इस बात को अपने को देखना चाहिए, इसको प्रमाणों से देखना चाहिए कि हमारा धन कहाँ लग रहा है, हमारा बेस्ट ब्रेन कहाँ काम कर रहा है ना, जिसको माने जो जीवन शक्तियाँ। तो आप पाएंगे कि जीवन शक्तियाँ माने अच्छे से अच्छे मानव के लोग, और अभी भी आइंस्टीन जैसे लोग जिन्हों को बाद में काफ़ी पीड़ा हुई इस, क्योंकि फाइनली जब प्रमाण देखते हैं तो पता लगा कि हम तो डिस्ट्रक्शन के लिए ही काम किए, है ना। फाइनली यदि आप माने जिस जो भी उसने काम किया, चाहत कुछ भी रही हो, प्रमाण क्या निकला, है ना, तो पता लगा डिस्ट्रक्शन के लिए काम किए। तो ये सब चीज़ों से ध्यान जाता है कि हम संघर्ष विज्ञान जो है, भोगवादी प्रवृत्ति तो संघर्ष की ओर जाती ही है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि ग्रीड के लिए रिसोर्सेज नहीं है पूरे। सर्वसुख की बात करेंगे तो रिसोर्सेज पर्याप्त हैं ना। तो इस तरह से बहुत सारे ढंग से अपन देखेंगे तो विज्ञान की कड़ी समीक्षा की जा रही है। इसके आधार पर मानवेतर संपूर्ण प्रकृति मानव के लिए, मानव के उपयोग करने के लिए है ना। तो क्या विज्ञान का सिद्धांत है कि है क्यों भैया पूरी धरती क्यों है, मानव के लिए है जी, हमारे लिए है, और मानव में से भी किसके लिए, वही उसको उपयोग करने योग्य है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। माइट इज राइट, है ना, पावरफुल ही जिएगा, है ना। ऐसे इसके मूल में सिद्धांत हैं जिसकी वजह से ऐसी उसकी प्रवृत्तियां या उसका आचरण दिखाई दे रहा है, इसको अच्छे से जांचना चाहिए। अर्थात जो दूसरे को मारपीट, लूटपाट, हत्या, आतंक, जानमारी करता है ना, वही अभी देखो कि अभी देखिए उसको कई बार ये कह सकते हैं सब लोग, क्या बात कर रहे हैं यार, ये तो आपने कुछ बाबा को ज्यादा ही कड़ी समीक्षा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है यार, विज्ञान तो बहुत बेनिवोलेंट है, सबके भले की बात करता है। तो भैया जिसको डेवलप्ड कंट्री कह रहे हैं उसकी इकोनॉमी का आधार देखिए, है ना, मारपीट, लूटपाट, हत्या, आतंक, जानमारी, है ना, ये एक बेजर कार्यक्रम है ना, दूसरों को डराना, धमकाना। अभी हमने हाइड्रोक्सी क्लोराइड, क्लोरोक्विन नहीं दे रहे हैं, वहां से धमकी आ रही है, देख लो, है ना, रिक्वेस्ट नहीं आ रही है ना। तो क्या मतलब, हम देखेंगे हर जगह इसको दिखाई देगा। दूसरी तरह विडंबना भी है, खुद ऐसा राष्ट्राध्यक्ष बोल रहे हैं हम लोगों को खाली खिला नहीं सकते, खाली बिठा के, जबकि भारत के पास 1 साल से अधिक खिलाने के लिए है ना। तो बहुत सारी जगह अपन देखेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि विज्ञान की मौलिक अवधारणाओं में गड़बड़ी है, जिसकी वजह से उनको बदलना पड़ेगा, है ना। तो इसमें आगे यह भी तर्क हो सकता है, करेगा लूटपाट करेगा, शक्तिशाली ही जिएगा, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा भाई। तो बाबा कह रहे हैं देखो, विज्ञान का घोषणा एक दस्तावेज के रूप में नहीं है, विज्ञान के अर्थ में जो जो जीने गए, अर्थात विज्ञान को हवाला देते हुए अपने मंतव्य रूपी प्रबंधों को रचना दिए, मतलब जितने भी जो आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, जितनी योजनाएं बनाई जा रही हैं, जितने एडवर्टीजमेंट्स को आप देखें या उनके जो क्रियाकलाप देखे जा रहे हैं, है ना, तो विज्ञान के अर्थ में जो जो जीने गए, अर्थात विज्ञान को हवाला देते हुए अपने मंतव्य रूपी प्रबंधों को रचना दिए हैं, उनमें इस प्रकार का उल्लेख होना पाया जाता है। इसमें मुख्य घोषणा, इसमें क्या है, यदि विज्ञान की मुख्य घोषणा को क्या देखेंगे, तो इसमें मुख्य घोषणा अनिश्चितता, अस्थिरता बिंदु उसमें से स्पष्ट होती है। तो मुख्य घोषणा तो क्या है कि सब कुछ अनिश्चित है भाई, एवरीथिंग इज अनसर्टेन। और अब तो इतना कई बार इतना माने आश्चर्य भी होता है, लोग बोलते हैं चेंज इज ओनली परमानेंट, अनसर्टेनिटी ही परमानेंट है। क्या बेवकूफी बात कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी कैसे परमानेंट हो जाएगी, यही नियम कैसे हो जाएगा, अनिश्चितता के साथ जीना सीख लो, है ना। तो क्योंकि यही परमानेंट है, ये तो होने ही वाला है, और हम इस तरह से जबरदस्ती के, है ना, ओपियम के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। तो मुख्य घोषणा अनिश्चितता, अस्थिरता बिंदु उसमें से स्पष्ट होती है, जबकि बाबा कह रहे हैं अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है, व्यवस्थाएं अस्तित्व में बनी हुई हैं, मानव भी व्यवस्थित होकर जीना चाहता है। ऐसे बहुत सारे तर्कों से हम, या मानव तो जन्म से ही न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक, सत्य वक्ता है, ऐसे कई तमाम चीजों से जब हम हमारा ध्यान आकर्षण होता है तो हम ये डाइकोटॉमी, है ना, समीक्षा कर पाते हैं, क्योंकि सही की रोशनी में ही गलत की समीक्षा होगी,
इससे पहले हो भी नहीं पाती है। तो इसमें मुख्य घोषणा अनिश्चितता अस्थिरता बिंदु उसमें से स्पष्ट होती है, विज्ञान अपने में स्वतंत्र है, विज्ञानी नहीं। इस बात की पुष्टि वैज्ञानिक दस्तावेजों में मिलती ही है। इसमें प्रश्न यही आता है, विज्ञान की जिम्मेदारी किताब है या मानव है? इस क्रम में किताब के रूप में जो दस्तावेज है आगे चलकर यंत्र से जो प्रमाणित होगा वह सच्चाई है, अंतिम सत्य भले ना हो, ऐसी मान्यता निष्पन्न हो चुकी है। अब विज्ञान में क्या मान्यता बन गई है कि भैया जो यंत्र बताएगा वही सही, आदमी बताए क्यों? क्योंकि किताब प्रमाण नहीं है। देखिए यहाँ पे दोनों चीजों में एक साथ बाबा ने इसको रखा है, आदर्शवादों आदर्शवाद के अनुसार किताब प्रमाण है, ग्रंथ प्रमाण है ना। हमारे माने मैं अपने जैन धर्म में कहूँ तो कहते हैं भैया जिनवाड़ी में जो लिखा है फाइनल स्टेटमेंट तो वही है ना, या जो जो शास्त्रों में लिखा है तो शास्त्र का एक किताब है। तो विज्ञान विज्ञान ये नहीं कह रहा, विज्ञान का एक स्टेप अलग बात कर रहा है, वो कह रहा है विज्ञान की जिम्मेदारी, बाबा ये पूछ रहे हैं किताब होगा कि मानव, विज्ञानी होगा कि नहीं। लेकिन अभी विज्ञान विज्ञानी को नहीं मानता है ना, वो किसको मानता है? यंत्र को प्रमाण मानता है। तो इस क्रम में किताब के रूप में जो दस्तावेज है आगे चलकर यंत्र से जो प्रमाणित होगा वह सच्चाई है, भले ही ये तो माने हुए कि अंतिम सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये तो हमने पहले ही विज्ञान ने घोषित कर लिया कि अंतिम सत्य तक हमें नहीं पहुंचना है, माने पहुंचना तो चाहते हैं बट वो पहुंचते रहेंगे, अंतिम सत्य भले ना हो, ऐसी मान्यता निष्पन्न हो चुकी है। इसका निष्कर्ष तो यही निकला, यंत्र ही प्रधान प्रमाण हुआ। इस विधि से जिम्मेदारी मानव पर ना होकर यंत्रों पर थोप दी गई। तो भैया यंत्र बताएगा सही क्या है गलत क्या है। इसमें मानव सोच की सुविधा यही हो सकती है कि तर्क के उलझनों को पैदा ना करें। क्यों ऐसा कर दिया? क्योंकि यदि आप माने वैज्ञानिक यदि प्रमाण बन जाता है तब उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है, हम उससे पूछेंगे कि भैया विज्ञान तो सर्वशुभ करने निकला था, ये जो रिच और पुअर में गैप क्यों आ गया है ना, कुछ ही लोगों के पास कंसंट्रेटेड क्यों हो जा रही है धन वेल्थ या पावर है ना, या ये धरती तो प्रदूषण की तरफ क्यों जा रही है? तो वो कह रहा भैया देखो यंत्र इस बात को बता रहा है कि प्रदूषण हो रहा है ना, तो लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। इसमें मानव सोच की सुविधा यही है कि तर्क के उलझनों से बच गए। तर्क का प्रयोग तो क्योंकि तर्क का प्रयोग तो मानव ही करेगा, यंत्रों के साथ कोई तर्क हो नहीं सकता, क्योंकि यंत्र जो करता है वो बार बार करता रहता है, उसमें कोई तर्क नहीं लगता। इस प्रकार बार बार दोहराना ही विश्वास का आधार अथवा भरोसे के आधार को मान लिया गया। इस प्रकार विज्ञान गतिविधियों के अनुसार मानव जिम्मेदारियों से दूर है, जबकि यंत्रों को मानव ही बनाता है। यहां मुख्य मुद्दा आ गया क्या कि भाई यंत्र किसको, यंत्र बनाने का जब बनाया किसने? तो मानव ने। तो निरीक्षण परीक्षण की स्थिति में हम पाते हैं कि हर मानव जिम्मेदारी का पक्षधर है, हर मानव न्याय का पक्षधर है, हर मानव व्यवस्था का पक्षधर है। तो जब हम इसको देखने जाएंगे तब तो यही निकलता है कि हर मानव न्याय चाहता है, व्यवस्था चाहता है और जिम्मेदारी का पक्षधर है कि भाई हाँ बात सही है, जिम्मेदारी तो होनी ही चाहिए। इन सब के मूल में हर मानव समझदारी के पक्ष में है। इस बात का उल्लेख अवश्य है कि हम मानव परिभाषा के रूप में मनाकार को साकार करने वाले हैं और मनस्वस्थता को प्रमाणित करने में प्रचलित शिक्षा विधि से असमर्थ रहे हैं। इसको अपने को एक निष्कर्ष पे आना चाहिए, इस शिक्षा को कर लेना चाहिए कि हम सब चाहते जरूर हैं है ना कि मन स्वस्थ हो, मनाकार साकार हो, लेकिन आज की जो प्रचलित शिक्षा के द्वारा जो भी हम बच्चों को संस्कारित कर रहे हैं उसके रिजल्ट के रूप में तो यही देखने को मिल रहा है, हम ऐसी सर्व सुख की कामना से वो सफल नहीं कर। मना स्वस्थता ही मानव की मौलिकता है। इस मौलिकता को प्रमाणित करने के क्रम में ही मानव सुखी होने के तथ्य को हम अपने में जांच कर प्रमाणित कर चुके हैं। अब बाबा ये कह रहे हैं कि मन स्वस्थता ही मानव की मौलिकता है, इस मौलिकता को, तो जिसका मन अस्वस्थ है वो कोई मौलिकता नहीं है, वो मानव का रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है। जो हमने सर्वे कर लिए ना, जिनका मन स्वस्थ नहीं है माने अमानवीयता के सर्वे करने से
हम मौलिक मानव की मौलिकता को पा जाएंगे, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मन स्वस्थता ही मौलिकता है। तो इस मौलिकता को प्रमाणित करने के क्रम में ही मानव सुखी होने के तत्व को हम अपने में जांच कर प्रमाणित कर चुके हैं। अब बाबा यहाँ कह रहे हैं वो अपने में ऐसा देख चुके हैं और यह सहअस्तित्व विधि से सफल है। हर विधा में हम समाधान पूर्वक जीकर ही सुखी होते हैं। समाधान पूर्वक जीने का सूत्र समझदारी पूर्वक ही सार्थक होना पाया गया। समझदारी सह अस्तित्व पूर्ण दृष्टिकोण से संपन्न होता है। इस क्रम में समझदारी का नित्य स्रोत तीन विधा में होना पहले से हम समझ चुके हैं। यह तो पहले से अभी तक प्रस्तुत किया गया अध्ययन से विदित हो चुका है कि आदर्शवादी विधि भौतिकवादी विधि से तार्किक विधियों से समझदारी प्रमाणित नहीं हो पाती। इसको फिर से एक बार ध्यान आकर्षण कर रहे हैं, जितना अभी तक विश्लेषण किया तो ये क्लियर हो गया कि आदर्शवादी विधि और भौतिकवादी विधि से तार्किक विधियों से समझदारी प्रमाणित नहीं हो पाती है। प्रस्तावित सह अस्तित्ववादी विधि से ही अनुभव मूलक विधि से हर नर नारी समझदारी ईमानदारी जिम्मेदारी और भागीदारी के रूप में मानवीय आचरण पूर्वक सर्वतोमुखी समाधान को प्रमाणित कर सकते हैं, स्वयं में सदा सदा सुख का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि सार्वभौम समाधान संपन्न होना ही समझदारी की सर्वप्रथम सीढ़ी है। तो पहली सीढ़ी क्या है कि हम अपने में सार्वभौम समाधान से संपन्न हो जाएं, ये पहली सीढ़ी है, है ना। तो इसको सबसे पहला काम यही होना होगा कि स्वयं में सदा सदा सुख का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि सार्वभौम समाधान संपन्न होना ही समझदारी की सर्वप्रथम सीढ़ी। हर जागृत मानव में यह विद्यमान रहता ही है, इसी कारण बस इसमें जागृत मानव में विद्यमान रहता ही है, इसी कारण बस सदा सदा सुखी होने की संभावना भी समाई रहती है। इसी आधार पर प्रमाणित होने की आवश्यकता बनी रहती है। इस प्रकार हर समझदार मानव परंपरा में से के लिए जिम्मेदार होना, उपकारी होना संभावित हो गया है। इस तंग से यदि हम देखेंगे तो हर समझदार मानव परंपरा में से के लिए जिम्मेदार होना और उपकारी होना। उपकार का क्या मतलब है कि समझे हुए को समझाना, किए हुए को कराना और सीखे हुए को सिखाना, ये उपकार है। तो हर समझदार मानव परंपरा में से के लिए जिम्मेदार होता है और उपकारी होना की संभावित हो गया है। उपकार का तात्पर्य, अच्छा नीचे दिया ही हुआ है, उपकार का तात्पर्य भी स्पष्ट है कि जागृति के अर्थ में, किस अर्थ में, जागृति के अर्थ में समझा हुआ, जो मैं समझ गया हूं उसको समझा पाऊं, जो किए हुए को कराना, है ना। यहां पर किस अर्थ में है, सारा समझाना कराना ये सारा का सारा इस अर्थ में हो रहा है, जागृति के अर्थ में अंडरलाइंड है, क्योंकि अभी भी हम सिखा रहे हैं नहीं सिखा रहे हैं ऐसा नहीं है, अभी हम किए को करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं ऐसा करा रहे हैं, लेकिन वो जागृति के अर्थ में नहीं जा करके, या तो भोग के अर्थ में, सुविधा के अर्थ में, संग्रह के अर्थ में, ना रिच पुअर डिवाइड के अर्थ में, उस अर्थ में चला जा रहा है। तो उपकार का अर्थ मतलब है जागृति के अर्थ में, अर्थात जो सार अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था जो लक्ष्य है उसके अर्थ में समझे हुए को समझाना, किए हुए को कराना, सीखे हुए को सिखाना, यह सब समाधानकारी होना फलतः उपकार सार्थक होना होता है। इस ढंग से मानव कैसा उपकारी हो सकता है, यह स्पष्ट हुआ। यह भी स्पष्ट हुआ है कि हम सब समझदार मानने वाले, ना समझ मानने वाले कैसे समस्याओं को निर्मित किया, ये भी पता चला कि अभी तक हम अपने को, है ना, समझदार मान लिए या नहीं भी माने, दोनों ही मिलके समस्याओं को ही निर्मित किए, क्योंकि समझदारी का कोई हमारे पास मापदंड ही नहीं रहा। इसी के साथ यह भी स्पष्ट हो गया कि विज्ञान संसार मानसिकता
प्रबोधन कार्यों में जिम्मेदारियों से बहुत दूर पहुंचने के क्रम में यंत्र के समान मानव को पहचानने की कोशिश की। तो हमने क्या किया, मानव को भी यंत्र के समान मान लिया। इसमें सर्वथा असफल हुए हैं क्योंकि मानव यंत्र नहीं है। सहअस्तित्व विधि से स्पष्ट ना होने वाली कोई वस्तु ही नहीं है, है ना। सहअस्तित्व विधि से कोई चीज स्पष्ट ना हो ऐसा होता ही नहीं है, है ना। संपूर्ण वस्तु को जो समझने योग्य है समझता है, समझा गया भी है, और समझे हुए को समझाना एक स्वयं स्फूर्त। वो सत्रमा अध्याय की जो रहस्य मुक्ति है उसकी जो पहली ही दो तीन लाइन है जो ओपनिंग है ना, वो बहुत गजब की हैं, है ना। इससे लिंक है इसको, मैं मुझे बढ़िया लगता है कि रहस्य क्या है। तो या तो समझ नहीं पाना, या हमें लगता है हम तो समझ गए भैया लेकिन हम समझा नहीं पा रहे। आप क्या है ना, मैं तो समझ गया हूँ लेकिन जो है ना दूसरे समझना नहीं पा चाहते। तो या तो समझ नहीं पाना, समझा नहीं पाना, और समझे हुए को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाना, ये तीनों ही रहस्य हैं ना, और अपनी अक्षमता का प्रदर्शन है या अक्षमता को बताते हैं। तो सहअस्तित्व विधि से स्पष्ट ना होने वाली कोई वस्तु ही नहीं है। हमें हर चीज स्पष्ट हो सकती है, और संपूर्ण वस्तु जो समझने योग्य है वो तो समझ में आती भी है, समझी भी गई है, और समझे हुए को समझाना एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, स्वयं स्फूर्त क्रिया है। इस प्रकार व्यक्त और अव्यक्त का आधार स्पष्ट हो गया ना। यदि हम अव्यक्त माने यदि व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम या तो वो सहस्तित्व विधि संगत नहीं है या हम समझ ही नहीं पाए हैं। मानव चाहता हुआ को प्रमाणित कर पाया, समझा पाया, यही व्यक्त होने का प्रमाण है। व्यक्त होने का क्या मतलब है, जो मैं चाहता हूँ उसको प्रमाणित कर ही पाता हूँ, यदि समझ गया हूँ तो समझा ही पाता हूँ, इसी के साथ जीना भी होता है। और जो हम समझा मानते रहे वह समझा नहीं पाए, यही अव्यक्त है। व्यक्त अव्यक्त क्या है, हम मानते रहे कि हम सब समझ गए हैं लेकिन हम समझा, अभी मैं कई बार ये देखता ही हूँ, अधिकतर परिवारों में जब बच्चे 10-12 साल तक के रहते हैं माता पिता के साथ, कम से कम उनके साथ खटपट है ना, लेकिन जैसे ही वो एक उम्र में आते हैं जब अर्थात जब वो अपने को तर्क को पहचानने लगते हैं और अपने को भी ये मानने लगते हैं कि अब या तो वो समझने योग्य हैं और समझ गए हैं, है ना, वहाँ से समस्या शुरू हो रही। क्योंकि एक ही परिवार में चार सदस्य हैं, चारों अपने को समझदार मानते हैं और फिर एक दूसरे को नहीं समझा पा रहे, है ना। इसी का मतलब है अव्यक्त हैं और फिर भी ये नहीं मानते हैं कि मुझे ही कुछ समझने में कमी हो गई है। तो यही ध्यान आकर्षण करा जा रहा है कि जीना भी इस जो हम समझा मानते रहे और समझा नहीं पाए, यही रहस्य है, यही अव्यक्त है। जबकि सह अस्तित्ववादी रूपी अस्तित्व नित्य वर्तमान और व्यक्त है, इसमें कुछ भी अव्यक्त नहीं है, अर्थात कुछ भी ऐसा नहीं है जो यदि हम समझ गए तो उसको हम जी नहीं पाए, और समझ गए और जी रहे हैं तो दूसरों को समझा ना पाए, दूसरों को जीने के लिए ना दे पाए, ऐसा होता ही नहीं है। बढ़िया। तो इसमें कुछ एक अपने पास 10 मिनट हैं, ये एक बहुत ही बढ़िया एक अध्याय हो गया है, है ना। अब अपन दूसरे अध्याय पर चल सकते हैं, इसके पहले जो कमेंट्स आए हैं है ना उसको एक बार ले लेते हैं, और समय होगा तो अपन मात्रा को पढ़ना शुरू करेंगे। एक बार जस्ट कमेंट्स पर नजर। बढ़िया। तो एंड आई अजय भैया यू हैव एक्सटेंडेड एवरी पॉइंट डीपली। सुनीता बहन कह रही बहुत बढ़िया। एंड आई कुड विजुलाइज द हारमोनी, है ना, इन स्पीकिंग। बढ़िया, धन्यवाद, है ना। ये सब सुनीता बहन काफी पहले से जुड़ी हुई भी हैं और ये बढ़िया उत्साहवर्धन है। भौतिकवाद और आदर्शवाद तरसंगत नहीं है, बहुत बढ़िया। तो ये यदि ध्यान आकर्षण हुआ है ना। यंत्र की बिना मानव बंदर से भी गया गुजरा है, अमित भाई कह रहे हैं, है ना, बिल्कुल ठीक बात है। विशेषता एक अभिशाप है, हाँ ये तो भाई बिल्कुल एक गजब की बात है कि ज्ञान आदमी को विशेष नहीं बल्कि सामान्य बनाता है ना। ये बहुत ही अच्छे से माने जो बाबा ने कभी कभी बोला और जो ध्यान आकर्षण है ना हुआ है हम लोगों का, ये बहुत ही बढ़िया है।
तो मुझे लगता है कि कोई बहुत विशेष इसमें कोई ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि हाँ कोष का भी अनुसंधान करता है। बहुत ही सुंदर ये आपका ध्यान आकर्षण हो रहा है ना, क्योंकि बाबा ये कह ही रहे हैं कि पदार्थ में ही वो भ्रूण है, जिस वजह से है ना, तो पदार्थ भी अनुसंधान करता है, इसलिए अगली स्थितियों में व्यक्त होता है ना। प्राण अवस्था पर अनुसंधान करती है, जीव अवस्था अनुसंधान करती है, वहां से ज्ञान अवस्था आती है, और अब हम ज्ञान अवस्था के मानव अनुसंधान रत हैं परंपरा के रूप में। और अगली स्थिति जो कि जागृत परंपरा का घटित होना निश्चित ही है ना, तो ये होगा ही, ऐसा मुझे भी लगता है कि हम सब मिलके बहुत अच्छे से ध्यान आकर्षण हो पाया है बाबा के माध्यम से इन चीज़ों पर, है ना। तो बहुत ही बढ़िया, तो मुझे लगता है कि